birthday to you. Happy birthday, dear Liza. Happy birthday to you. Look at that order. Right? Right, Haruna? अरे मैं कुछ नहीं होगा, नहीं ना खांसी भी नहीं आएगी। हटो, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी वाइटिक फैमिली? आई होप अच्छी होगी, खैरियत से, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ज़रा सी ठीक नहीं हूँ, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। थोड़ा सा खांसी वगैरह हो रही है ना, इस वजह से हो रहा है। और ये मुझे ही नहीं हो रहा, सभी को हो रहा है। उस दिन से मतलब 2-3 दिन ही हो गए लगभग। तो थकान से भी हो जाती है। तो देखा आपने बर्थडे सेलिब्रेट हो गया था उनका, ऐसे ही बच्चों ने सब ने आपस में कर लिया। और बहनों ने उनकी इतना अच्छा सा उनको ग्रीटिंग कार्ड दिया था, और मैंने उनके लिए ड्रेस अर्जेंट में सिया था दोपहर में। बड़ी जल्दी सी लिया, लेकिन फिर भी कॉटन का था। और ये लेस जो है उनकी दादी ने लगा दी थी, और बाकी मैंने ये ड्रेस स्टिच किया था। तो कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। आप लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, और आप लोग बहुत शुक्रिया इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और ये जो है ना, ये मतलब कटिंग करके मैंने पहले रखा हुआ था, और बाकी मैंने स्टिचिंग किया था उस दिन, क्योंकि ना उनके अब्बा कह रहे थे चलो मैं दिला लाता हूँ, बट मैंने कहा नहीं, मैं खुद सी दूँगी। और वो ख़ुद भी चाहती थी कि नहीं मम्मा आप बनाएं मेरे लिए कुछ, तो मैंने बना दिया था इस तरह से। और उनकी जो ये हैं ज़िनत अप्पी और बड़ी फूपी जो हैं वो आई हुई थी, तो ये उनकी फेवरेट हैं। पानी पुल के ये खा के हमारा गला और थोड़ा गड़बड़ सा हो गया, क्योंकि खांसी चली रही थी। और पता नहीं कितनी तरह का ये पानी था, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स कुछ पानी था। ये बहुत अलग तरीके के पानी थे। ये बाउल तो इतने भरे हुए दिख रहे हैं, बाकी खाली हो चुके हैं। फिर जाके मुझे ख्याल आया कि और यार शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो अच्छी खासी यादें हमारी जो होती हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं, वरना तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। और यही हुआ कि मैंने सब कर लिया काम, फिर मेरे ध्यान आया अरे मैंने तो मतलब छोलों का भी कुछ शूट नहीं किया, और मैंने इसका भी नहीं किया। छोले भटूरे बना लिए थे मैंने, और ये पता मैंने 1 घंटे के अंदर ही इसका आटा जो था ना वो मतलब सेट किया था भटूरे का। कुछ नहीं, मैंने मैदे के अंदर ही वो डाल दिया था, ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट होती है ना ड्राई वाली, वो डाल दी थी, शुगर, दही और बेकिंग जो हमारा बेकिंग सोडा होता है ना खाने का सोडा, वो, नमक और थोड़ा सा ऑयल, ये सब मिला के मैंने गूंद के उसको रख दिया था। 1 घंटे में इतने परफेक्ट भटूरे बने थे ना, सॉफ्ट और क्रिस्पी, मतलब ओवरऑल बहुत बेहतरीन थे। इसकी रेसिपी भी शायद मैं शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी अगर आप बोलेंगे तो मैं दोबारा से शेयर कर दूंगी। मैंने अभी इसको कुछ भी शूट नहीं किया था, मैं बिज़ी थी, क्योंकि फ्रेंड आई हुई थी, उनके साथ में थी पूरा टाइम। फिर उसके बाद में नंद आ गई थी हमारी, तो बस इस वजह से टाइम ही नहीं मिल पाया। तो ये कुछ थोड़ा बहुत जो प्रिपरेशन वगैरह जो भी कह लें आप, सेलिब्रेशन था, वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो बर्थडे इज़ ओवर, सब हो गया, सारी चीज़ें। हाँ, माशाल्लाह से मेरी फ्रेंड भी आ गई, और लोइजा की कॉपी भी आ गई थी, लोइजा की कज़न भी थी। दिन से सभी कुछ था, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी सोच रही थी कि यार बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। नहीं तो ये लोग जो हैं सेलिब्रेट करते हैं, बस दावत जैसे कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। और नानी को बहुत मिस कर रही थी, नानी नहीं आ पाई, और बड़ी पप्पी आ गई, उनकी इज्जत पप्पी आ गई, ये सब लोग। और जो जो हुआ सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और बाकी का लोइजा से रिलेटेड जो डिटेल है, और बचपन से लेके अभी तक की उसकी जर्नी जो है ना, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जितने फ़ोटो उसके हैं ना उतने फ़ोटो किसी के भी नहीं, किसी के इतने पिक्स नहीं लिए जितने उसके हैं। और बस मैं कैमरा लेकर उसके पीछे पीछे ही रहती थी जब वो छोटी सी थी। हर बात में हर चीज़ को मैं कैप्चर किया करती थी, है ना, उससे रिलेटेड वो सब मैं शेयर करूँगी। और जो बाकी है ना बच्चे, उनके साथ भी जब ऐसा कुछ होगा तो करूँगी, लेकिन उनका इतना कुछ है नहीं बताने के लिए। और जो गिफ्ट है ना लोइजा की, वो मैंने शूट नहीं किया। यार बहुत थक गई हूँ आज मैं, बहुत ज़्यादा। मेरे सूरज से ही लग रहा होगा ना मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे चेहरे की देखो 12 बजे पड़ी है, 12 बोलते हैं, 13 बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। खैर जो भी बोलते हैं वो आपको दिख रहा होगा। आप लोग बड़े अच्छे से मुझे नोटिस कर लेते हैं कि मैं थकी हुई हूँ या नहीं हूँ, सारी चीज़ें। तो मेरी आवाज़ भी जो है ना अभी इसलिए थोड़ा सा जो वो है ना साउंड वो भी स्लो है। हेडफोन लगा के सुन लेना यार, उसमें कोई गल नहीं है। तो बाकी बच्चों के इतना कुछ नहीं है, बेचारे बच्चे मेरे, बेचारा वर्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बच्चों के लिए हम बोल रहे हैं बेचारा, तो उनके नहीं है। हाँ जो भी हैं थोड़े बहुत वो मैं शेयर करूँगी। बाकी जो है ना कंप्यूटर में थे, कंप्यूटर ख़राब हो गया है, पेन ड्राइव वगैरह में है तो उसको निकालना मुश्किल है। अब जो भी मतलब जो मतलब एल्बम्स में थे और जो मोबाइल में थे ना वो सारे मैंने कोशिश की है। इतने से हैं बस, इतने से मतलब बता रही हूँ आपको, इतने सारा ह्यूज कलेक्शन है ना जो मैं बताने बैठूँगी तो पता नहीं कितने वीडियोस बन जाएंगे। तो सब में से कुछ 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 मतलब सेलेक्ट किया है मैंने, बहुत थोड़े से बस, कभी वीडियो में दिखाऊंगी ना एल्बम में और बाकी चीज़ें, तो तब आप अंदाज़ा लगाना देखना। तो फर्स्ट टाइम मदर जब बनते हैं तब उसकी बात ही अलग हुआ करती है काफ़ी चीज़ें रहती हैं। हुआ तो एक्सपीरियंस जो है आगे इंशाल्लाह वीडियो में वो भी शेयर करूँगी आपके साथ जो भी है। उस टाइम मुझे पता तो नहीं था कि मतलब जब मामा बनते तो कैसा लगता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा हैप्पी भी नहीं थी इस खुशी से। अल्लाह पाक ने वैसे ही बिन मांगे ये नेमत दे दी थी, और बच्चे थे उस टाइम पे, इतनी अकल नहीं थी तो इतना आइडिया नहीं था कि ये फीलिंग्स क्या होती हैं, कुछ भी नहीं पता था ना मुझे ना इन्हें, दोनों को नहीं पता। दोनों ही मतलब नाशुक्रे हैं, नाशुक्रे हम लोग, बड़े बदतमीज़ लोग। तो खैर अब तो नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन उस टाइम पे बड़े नाशुक्रे टाइप के थे। तो जो लोग ऐसे हैं जो मतलब बच्चों के लिए परेशान हैं, दुआएं मांग रहे हैं, वो लोग तो ये कहेंगे बड़े बदतमीज़ लोग हैं। तो यार उस टाइम पे पता नहीं था ना ऐसी चीज़ें, जब कोई अपनी चीज़ मांगते नहीं है वो बिन मांगे हमें मिल जाती है तो उस टाइम पर उसकी कदर नहीं होती है। तो खैर ऐसा नहीं है। और जब जो छोटे लोग होते हैं ना, छोटे छोटे से मतलब उतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा 17-18 साल तो उम्र नहीं थी, बड़ा इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि मतलब बच्चों को समझें। बच्चों को कभी तो मैं तो गोद में भी नहीं लेती थी, सीरियसली बताऊँ। शादी से पहले मुझे खिलाना भी नहीं आता था, मतलब मैं लोइजा को ही नहीं खिला पाती थी। हंसी आती थी जब सास खिलाती थी ना, या लोरियाँ वगैरह जो सुनाती थी वो मुझसे बोलती तुम भी सीख जाओ ऐसे बोलना है ऐसे करना है, तो मुझे हंसी आती थी बहुत। है मैं करूँगी ऐसे, हाँ मुझसे नहीं होगा इतनी हंसी आया करती थी मुझे, और हद से ज़्यादा हंसी आती थी सीरियसली बताऊँ। मुझसे होता ही नहीं था, मतलब मुझे आता ही नहीं था बच्चों को खिलाना बिल्कुल। बच्चे कैसे खिलाते हैं, गोद में कैसे लेते हैं सब चीज़ें, तो मुझे नहीं आया करता था। बहुत मतलब टाइम लगा, 1-1.5 महीने 2 महीने, और तब जाके मुझे आया। जब मैंने उसको संभाला लोइजा को, जब उनकी दादी चली गई थी अपनी, मतलब लोइजा की फूफी के साथ चली गई थी, उनका भी मतलब ऐसा टाइम था तो उनके यहाँ चली गई थी। उनकी जो हालत थी ना थोड़ी सी सीरियस हो गई थी, तो क्रिटिकल कंडीशन में आ गई थी, तो उनके साथ रहना पड़ा उन्हें। तो तब से लोइजा मतलब 2.5 महीने की थी, तब से फिर मैंने संभाला, फिर मुझे संभालना आ गया था उसे, कैसे संभाला जाता है, तो फिर मैं आ गई। उससे पहले तक का मुझे इतना नहीं था, मैं किचन संभालती थी और जो दादी थी लोइजा की वो लोइजा को संभालती थी पूरा सब कुछ। मतलब रात में जब सो जाती थी ना लोइजा, तब मैं उसको अंदर लाया करती थी। सोचें आप, मुझे सुलाना भी नहीं आता था, और वो रात में उठती थी और फिर रोती दादी दादी, फिर मैं लेके भागती दादी के पास सुलाइए, फिर जब सो जाती थी फिर धीरे से अंदर ला के लिटाती थी। तो ये रहता था, और वो रहती भी हमारे पास इतना ज़्यादा उससे नहीं थी, वो दादा दादी को ज़्यादा समझती थी अपने बचपन में, और इसी वजह से हम लोग अजमेर भी चले गए थे उसको छोड़ के। 3 साल की थी जब घूमने चले गए थे हम लोग, फर्स्ट टाइम हम लोग घूमने गए थे उस टाइम पर शादी के बाद, उससे पहले तो हम नहीं जा पाए थे। तो चलो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं वो वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, और फिर आप बताना मुझे कैसा लगा आज का वीडियो आई होप अच्छा लगेगा, है ना। चलो ठीक है, फिलहाल मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है बस अब मैं सो जाऊँ। मैं बराबर मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मतलब कर दूँ अपलोड, बट मेरा पता नहीं को दिल थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, बट मैं करती हूँ जल्दी जल्दी से। मुझे बताया आप लोग याद कर रहे होंगे। चलो ठीक है, तो मैं वीडियो एडिटिंग करके आप लोग के पास पहुंचाती हूँ वीडियो को जल्दी से, ठीक है। ये जब लोइजा इस दुनिया में तशरीफ़ लाई थी उस वक्त की पिक है ये, बहुत ही प्यारी, बहुत ही गप्पू गप्पू सी बच्ची थी। और सेकंड मतलब नेक्स्ट डे होता है ना उस दिन की है, और ये 3rd डे की है जब हाँ हॉस्पिटल में थे जहाँ पे वहाँ पे 5-6 दिन रखा गया था। और ये जब हम घर आ गए थे ना 6 दिन बाद की पिक है, ये दादू की गोद में है। और आई थिंक ये 7th डे की थी जब तब की है और बीच की पता नहीं मुझे मिली नहीं। और ये आई थिंक 3 या 4 मंथ की थी। वो एक्चुअली ना अपनी उम्र से ना हमेशा थोड़ी सी बड़ी ही लगी है, जैसे कि अभी है ना वैसे उसका शुरू से बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना थोड़ा सा अच्छा है। वो बैठने भी जल्दी लगी थी, कैचिंग पावर अच्छा था। तो ये देखिए मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी हो, चाहे वो पोटी ही क्यों ना हो। फर्स्ट टाइम अगर पोटी पे बैठी है या किचन में मेरे साथ है काम करने में, तो इस तरह से मैं झूला डाल के काम करती थी। या नानी के यहाँ से अचानक बारिश हो गई और हमें जल्दी से रेनकोट बनाना पड़ा, जो दस्तरखान का या कौन सा प्लास्टिक होता है ना घर में यूज़ करती है, या वो रो रही हो उस टाइम की पिक हो। तो मतलब कैमरा ऑल टाइम मेरे साथ होता था। और फिर पापा ने जब देखा कि मोबाइल से मैं खींचती रहती हूँ, तो फिर उन्होंने मतलब ससुर ने हमारे कैमरा दिला दिया। तो फिर ये जो क्लियर पिक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये कैमरे के हैं। तो तब भी यही था, बस कैमरे से दिन भर उनकी फ़ोटो ही क्लिक होती थी जब वो हंस रहे। और एक एक फ़ोटो नहीं, एक एक उसकी मतलब बहुत सारी पिक्स, बहुत सारी। ये 5 मंथ की हैं आई थिंक, हाँ 5 मंथ की हैं। ये तब की पिक्स हैं उनकी। तो माशाल्लाह से हेल्थ वगैरह अच्छी थी, हाइट अच्छी थी, और जो उनकी मतलब चीज़ें थी ना मतलब जल्दी से वो बड़ी अच्छी थी कि मतलब उनको दुनिया में आने की भी जल्दी थी और हर चीज़ की उनको बड़ी जल्दी रहती है, हर काम की। ये देखिए ज़रा कितना फ़नी सा लग रहा है। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने कुछ खिलाया था तब की है। एंड ये नहा धोकर वो इस तरह से कुछ लगा करती थी। वो मालूम ये पीके की तरह हाल था इसका। पीके मूवी देखी किस किसने देखी बताना। जैसे उसके गले में पता नहीं क्या क्या डाला रहता ना। इसके भी हम इतनी चीज़ें डालते हैं जैसे दुनिया की ये बस पहली और आखिरी बच्ची है जिसको नज़र लगेगी। तो पता नहीं क्या क्या हम उसको डाल के रखा करते थे। और ये फर्स्ट बर्थडे की है उसकी। इस दिन भी बहुत तबीयत ख़राब थी, बट फिर भी उसने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। खूब अच्छा डांस वांस भी हम लोगों को करके बताया था। फर्स्ट बर्थडे की थी उसकी पिक, और मैं कैसी लग रही थी वैसे बताना है। और ये उसके बाद में फिर ईद पड़ी थी फर्स्ट बर्थडे के बाद, तब की है। ये सेकंड बर्थडे की है। और ये ड्रेस मैंने बनाई है दोनों में, बहुत अच्छी स्टिचिंग। और पीछे भी बहुत सारे कपड़े गए हैं, मैं उस पर कुछ बना दूँगी एरो, ताकि आप समझ जाना। तो ये पर्पल वाली मैंने नहीं बनाई, ये लाइट पिंक वाली बनाई है। और ये जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम जैसे दिख रहा है ना, ये भी मैंने बनाया है उसके लिए। वाटर पार्क गए थे हम, तब की पिक है। और ये जब 2 साल की थी लोइजा, तब की है। और ये ड्रेस भी मैंने बनाई थी लोइजा के लिए। लोइजा के लिए मैंने बहुत सारे ड्रेसेस बनाए हुए थे, बहुत सारे। और ये लोइजा का अकीका किया था हमने, तब के पिक्स हैं। ये 2 साल की हैं माशाल्लाह से इस टाइम पे। और ये इनके दादू बड़े प्यारे से इनके लिए शूज़ लेकर आए थे खूबसूरत से। और ये देखिए इतने अच्छे अच्छे पोज दिया करती थी ना कि बस पिक्स ही लेते रहो इनके। ये हमारे पापा हैं, पापा की गोद में कितने अच्छे से बैठी हुई है। और आँखें इतनी बड़ी बड़ी थी ना इसकी बचपन से ही। ये सारे पिक्स जो है ना इनके अकीके के हैं। 2 साल में हमने इनका मतलब हमने क्या, इनके दादू ने इनका अकीका किया था बहुत अच्छे से। बहुत मतलब लोग यही कह रहे थे कि शादी है आपके यहाँ, मतलब शादी जैसा आपने फंक्शन किया हुआ है। तो ये अकीका किया था, तब के पिक्स है। और ये मैं हूँ, कैसी लग रही हूँ। और ये देखो बाप रे, ये कैसे लग रहे हैं अजीब से। और ये सामान जो था ये सब नानी के यहाँ से आया था, और कुछ इसमें से फूफियों के यहाँ का था, और जो भी मतलब गिफ्ट मिले थे वो। ये ड्रेस भी मैंने बनाया था लोइजा का। ये आई थिंक थर्ड बर्थडे का है ये लोइजा की। और ये भी जब वो 3 इयर्स की थी माशाल्लाह से, तब का है। इस टाइम पे उनका 3 इयर्स से पहले एडमिशन हमने करवा दिया था वैसे तो। और ये फ़िश बनी थी, मछली जल की रानी वाली पोएम इन्होंने मतलब सुनाई थी। वहाँ पे 2nd प्राइज़ मिला था, यहाँ 1st प्राइज़ मिला था। इन्हें टेडी बेयर पोएम सुनाई थी यहाँ पे। और ये रैम्प पर कैटवॉक हुआ था, तब की पिक है। और ये जो फंक्शन होते हैं ना, एनुअल फंक्शन या कौन से, उसमें ये इन्होंने पट्ठा पंजाब का वाह भाई वाह से कुछ डांस किया था पंजाबी सॉन्ग पे कुछ। तो ये पिक तब की है इनकी। और ये भी इनकी शायद 4th बर्थडे की है आई थिंक। देखिए इनके अब्बा कैसे लग रहे हैं बिना दाढ़ी मूंछों के, तो आदत ही ख़त्म हो गई देखने की। और ये 5th ईयर की थी इस टाइम पे, तब की पिक है। ये है ना 5th की थी कि 4th की थी आई थिंक, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ माशाल्लाह से। वो इतनी उसकी समझ ही नहीं आ रहा, बताइए मैं खुद ही भूल गई। हाँ 5th की थी आई थिंक। ये 6th ईयर की हो गई थी यहाँ पे, तब की पिक है ये। बहुत अच्छे अच्छे पिक्स हैं इनके। और जितने भी ड्रेसेस इनको मिला करते थे ना, सारे ड्रेस ये उसी वक्त पहन के फ़ोटो क्लिक करवाया करती थी। ज़रा नहीं मतलब जैसे बच्चे घबराते हैं कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इनके कज़िन है जो इनके साथ में ही बड़े हुए हैं और उनकी भी कभी पिक्स शेयर करूँगी। और ये देखिए, परी बनने का बड़ा शौक़ था तो उनकी बड़ी फूफी से उनकी डिमांड हुई थी मुझे परी का मतलब पूरा चाहिए, मुझे परी बनना है। तो वो उनकी विश पूरी करती हैं हमेशा से, तो वो ले आई थी सब चीज़ें और इतनी खुश सी हो गई थी। लोइज़ा ना बचपन से ही अच्छी बच्ची थी, बड़ी सुकून वाली, बट उसने मुझे सुकून से रहने नहीं दिया, बहुत परेशान किया पूरा टाइम। इतनी उल्टी हैं कि मतलब छुपाना चाहा तो भी किसी से नहीं छुप पाया। और बस कुछ खाते पीते नहीं मिलता था, यही था। और दूसरा एक चीज़ और बताती हूँ कि इसके मतलब होने से जस्ट एक दिन पहले 18 को मेरा बहुत दिल था कि मैं पिज़्ज़ा और वेज बिरयानी जो मैं शादी से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ खाया करती थी वो खाऊं। तो उन्होंने कहा चलो, शाम के टाइम फ़ोन किया तो चलो चलते हैं, कल का कोई भरोसा नहीं है। बट मैंने कहा यार मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे उस दिन, बहुत सारे। तो उन्होंने कहा नहीं कोई भरोसा नहीं, चलते हैं। तो बस हम लोग जस्ट वहाँ गए, पिज़्ज़ा खाया और वेज बिरयानी खाई, आइसक्रीम खाई थोड़ी सी। और नेक्स्ट डे आफ्टर 15 आवर्स के लेबर पेन के बाद ये प्यारी सी नन्ही सी परी जो थी, बहुत ही प्यारी सी बच्ची, ये हमें देखने को नसीब हुई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और जो मेमोरीज़ हैं वो देखने में अच्छी लग रही होंगी। तो बताइएगा ज़रूर मुझे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो तो, और जो बेल आइकन है ना उसे भी ऑन कर लीजिएगा ऑल पे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और लाइक और कमेंट तो ऑब्वियसली करना ही है आपको, है ना। और बताइएगा कैसा लगा। और ये देखिए दोनों अब्बा और बेटी मिलते हैं कि नहीं, ये लोइज़ा मुझ में ज़्यादा मिलती है या अब्बा में, ये भी ज़रूर बताइएगा। ये देखिए हम तीनों का पिक। तो ये थी मेरी शहज़ादी, मेरी प्रिंसेस, जिसने मुझे माँ बनने का सौभाग्य अता किया। आई होप आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा देख के जितना मुझे अच्छा लगा। इतनी प्यारी प्यारी सी जो मेमोरीज़ हैं जो मैं चाहती थी कि ये इनके लिए भी मैंने सेव की हुई हैं, ताकि लाइफ टाइम में जब भी कभी चाहें ख़ुद को देखना तो वो इस तरह से देख सकें। और आप सब भी दुआएँ दे दीजिएगा खूब लोइज़ा को, और खूब अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा हमेशा की तरह बहुत सारे प्यार के साथ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।